दिस इज द फाइनल लोकेशन एज यू कैन सी। यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ है ना कि भाई मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये कुछ है रास्ता, यहाँ से आप देखेंगे तो इतनी ज्यादा बर्फ। लिया थोड़ा माचिस वगैरह का जुगाड़ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया। नितिक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फर्स्टली आप देख रहे होंगे व्यू, तो पहले तो व्यू देखो, बाकी बातें बाद में करते हैं। सो गाइस चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं आप कितना ज्यादा अच्छा। सो आज के ब्लॉग का प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि आज हम ट्रैकिंग करने वाले हैं पुल्हानी माता जी की। तो ये लोकेशन मैं आपको बता दूं कि ये लोकेशन है डलहौजी के पास डैनकुंड पीक में। तो हम जा रहे हैं बाया जोत, बाया डलहौजी भी है रास्ता, हम जा रहे हैं बाया जोत। तो स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी है तो आगे का ट्रैक आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया होगा। तो आज हम जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे साथ हैं भाई और यहाँ पे पीछे बिहाइंड द कैमरा रोहित। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो तालाब है ना पानी का, ये पूरा जम चुका है। ये देखो ये भाई इधर बर्फ फेंक रहे हैं, तो बिल्कुल मतलब ये जम चुका है भाई। सो गाइस ट्रैकिंग अपनी जारी है और भाई साहब ठंड इतनी है इधर सही में यार, हाथ और मतलब धूप तो ऐसे पता नहीं चल रहा कि लगी है। सही बात है, मतलब इतनी ज्यादा ठंड है की भाई मैं क्या ही बोलूँ। आप यहाँ से व्यू देखो पीछे की तरफ गाइज, आप रास्ता देखेंगे ना यहाँ पे तो इतना ज्यादा खतरनाक रास्ता है कि थोड़ा सा भी आपके पैर स्लिप होते हैं तो भाई नीचे को आप देख सकते हैं क्या हालत हो सकती है आपकी। ये जो स्नो है ना लोही की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये बिल्कुल काफी ज्यादा डेंजर ट्रैक है भाई, बट मजा आ रहा है। ये सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि चल चल के ना मतलब जूतों में बर्फ में ट्रैकिंग कर करके जूते बिल्कुल गिल्ले हो चुके हैं। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे जूते टोटली गिल्ले हो चुके हैं मेरे, और बर्फ तो आप देख सकते हैं पीछे आपको बहुत है यार। मतलब हमने इतना सोचा नहीं था कि आपको पता कि मौसम वगैरह काफी अच्छा हो चुका है तो हमने सोचा नहीं कि बर्फ मिलेगी, पर भाई यहाँ पे तो टोटली मतलब सीन ही बर्फ वाला हो गया। और अराउंड 60% हमने कवर अप कर लिया रास्ता, काफी ज्यादा मजा आ रहा है यार। ओवरऑल ये बोलूंगा मैं, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और इस तरफ का बताना जरा, अब हम कहाँ पे जाएंगे, कितना लोकेशन और गाइज मैं आपको प्रैक्टिकल करवा देता हूँ भाई, वैसे तो करवाने की जरूरत नहीं है कि ठंड कितनी है, बट लाइव मैं आपको बताऊँ। ये भाई चेक कर रहा है, भाई बताना जरा गाइज, ये देखो ओए चढ़ना मत इसके ऊपर। हाँ भाई मतलब पानी बिल्कुल, ये देखो पानी के ऊपर चढ़ गया है भाई और बिल्कुल जम गया भाई, जितने भी छोटे छोटे वो है ना ऐसे पानी के। तो गाइज सीन कुछ ऐसा कि भाई कर रहा ट्राई, बोलता कि ये बर्फ जम गई है मैं इसके ऊपर आऊंगा, ऊपर नहीं ओए नहीं नहीं नहीं। तो गाइस यहाँ से आप चेक करना बर्फ कितने ज्यादा नीचे तक है हमारे, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ और नीचे तक कितने दूर दूर तक पहाड़ है और हम कितनी हाइट पे आ चुके हैं। सो गाइस हमें एक ऐसी लोकेशन पे पहुंचे हैं ना भाई, जहाँ का जो व्यू दिख रहा है ना भाई मतलब दिल खुश हो गया इस व्यू को देख के। तो आपको भी दिखाते व्यू दिखाना साइड भाई साहब, ये देखो क्या जबरदस्त व्यू है ना, एकदम से ही ऐसे मतलब दिल खुश हो गया देख, इतनी ज्यादा स्नो ना एकदम से भाई साहब खतरनाक भाई। सो गाइस ऑलमोस्ट हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, बट यार एक उससे पीछे एक लोकेशन है ना, यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ है ना कि भाई मैं आपको क्या ही बताऊं। रास्ता भी जो है वो भी पूरा ऐसे दिख नहीं रहा, इतनी ज्यादा बर्फ है आप देख सकते हैं कैमरे में। अब मैं आपको रेयर कैमरा निकाल के बताता कि यहाँ पे कितना ज्यादा मतलब भयंकर सीन हुआ पड़ा है, मैं बताता आपको। यहाँ से देखेंगे ना आप तो आप देख सकते हैं यार कितनी ज्यादा बर्फ है यहाँ पे, और नीचे की तो मैं बात ही क्या बताऊँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो बड़ी ज्यादा बर्फ है आमने सामने हर जगह बर्फ है। और जो मैं बात कर रहा था रास्ते की, ये कुछ है रास्ता, यहाँ से आप देखेंगे तो इतनी ज्यादा बर्फ पड़ गई है, मेरे को लगता है 1 फीट से ज्यादा ही है, और काफी ज्यादा खतरनाक सीन भाई साहब तबाही मत। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर मंदिर में, और भाई लोकेशन तो क्या ही है, हर कुछ है। और यहाँ पे पीछे अपने भाई लोग और पीछे ये है मंदिर, अब आपसे मिलते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे, आपको पता है मंदिर में है तो माथा वगैरह टेक के उसके बाद का प्रोसीजर आपको बताते हैं। A few moments later. इस माथा वगैरह टेक के हमने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है, और अब बताता हूँ मैं यहाँ से आपको पूरा मंदिर का व्यू। तो गाइस ये है यहाँ का कुछ मंदिर, एज यू कैन सी यहाँ पे मतलब ये बीच में मंदिर, और चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ, बहुत ही बढ़िया यार, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लोकेशन पे बिल्कुल हाइट पे। इस साइड का व्यू देखेंगे कुछ इस तरह से है, तो अब मैं चलता हूँ नीचे मंदिर।
गाइस दिस इज द फाइनल लोकेशन। सी यहाँ पे ये जिस मंदिर के लिए हम इतने दूर से आए हैं ये है वो मंदिर, इसलिए हम इतने दूर से लोकेशन कवर अप करी थी। सो यहाँ से साइड पे देखेंगे तो यार बर्फ ही बर्फ है भाई, बर्फ तो दिखाते है तुम्हारा भाई, तुम्हें बर्फ दिखाते ले आया। और सामने आप देखेंगे तो वो कुछ मिलिट्री का एरिया है, मिलिट्री का एरिया एयरफोर्स का। एंड यहाँ से आप इस साइड आएंगे तो इस साइड यहाँ पे ये मंदिर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ तो मणिमहेश कैलाश दर्शन, और यहाँ से ये सामने आप देख सकते हैं कैलाश है, बोला जाता है कि यहाँ पे कैलाश है ये। तो यहाँ पे भी भाई बिल्कुल रेडी है कैलाश को देखने के लिए। मैं आपको बताऊँ ये टेलीस्कोप है, आपने जैसे भाई ने बता दी कि मणिमहेश कैलाश दर्शन, ठीक है। तो अंकल हमें बताएंगे जो मणिमहेश कैलाश है यहाँ से बहुत ही दूर है, तो वो 24 एक्सिस में टेलीस्कोप में जूम है, तो वो बताएंगे। अब मैं एक्सपीरियंस करूँगा और आपको व्यू फाइंडर में जैसे करते हैं कैमरा में। अच्छा, एक नंबर। नहीं यार कैमरा में तो आएगा नहीं कुछ। बस ये है कुछ यहाँ का मेन मंदिर जो मैं आपको बता रहा था, चलते इसके अंदर मैं आपको बताता कि क्या क्या हिसाब किताब है। सो पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी एंट्री है मंदिर की, और ओवरऑल ये है कुछ मंदिर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यार। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन है, सीरियसली यार पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड लोकेशन की तो बात ही क्या करूँ, आपने खुद देख ही लिया होगा कि क्या है क्या सीन पानी के अंदर है ना अच्छे से। तो अभी भी कोई लोकेशन शूट की है तो मैं बताता हूँ आपको अच्छे से कोई चीज़ जो हमें लग रहा होगा कि हाँ भाई हमने कैमरा में नहीं बताई है, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस करते हैं इस प्यारी सी लोकेशन को इधर ही बाबाई, और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। A few moments later. गाइस यहाँ पे ना आते टाइम हमारे साथ सीन कुछ ऐसा हो गया कि हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी ठंड और बर्फ़ से, मतलब आपको पता है यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि हम टोटली मतलब ऐसे ठंडी की वजह से हालत ख़राब हो रही थी। हमने ऊपर से लिया थोड़ा माचिस वगैरह का जुगाड़, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिन में ही बोनाफायर जला दिया बिल्कुल चारों तरफ बर्फ़ के बीच, मतलब फीलिंग ही टोटली है ना। सो गाइज फाइनली करते हैं इस ब्लॉग को यही एंड। आई होप यार गाइज आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पे पहली बार आता है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फैला दो यार जितनी वीडियो फैला सकते हैं ना फैला दो।